सो ए व्हाट्स एवरीबॉडी, माय नेम इज देसानी, वेलकम बैक माय YouTube चैनल। सो गाइस, आज भी आपके भाई ने छुट्टी कर रखी है, आज भी गया नहीं। अभी अभी आपके भाई ने खाना भी खाया था, आज तो मम्मी ने काफी अच्छा खाना बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ रसोई में जाके। क्या बना रखा मम्मी आज? पनीर बनाया है, पनीर मटर है, काफी टेस्टी है, आज तो मजा आ गया खाने में। और रोटी बनाई थी, कसम से आज बहुत मजा आया। आपके भाई ने था कितनी रोटी पाड़ी, कम से कम 7-8 रोटी पाड़ी है, आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आपका भाई भूखा आता है ना। मतलब मान लो मैं दोपहर में खाता नहीं, उठ के कुछ नहीं खाया था, बस दोपहर की मैंने चौमिन खाई थी थोड़ी सी, उसके बाद सीधा डांस क्लास निकल गया। डांस क्लास से आगे फिर काफी ज्यादा भूख बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एक्सरसाइज होती है और प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है, स्टेमिना तो बहुत ज्यादा खर्च होता है, और जितना स्टेमिना खर्च होगा उतनी ज्यादा भूख लगती है। फिर आते के साथ ही मम्मी ने बना रखी थी पनीर मटर की सब्जी बना रखी थी, मजा आ गया खाने में। पापा आपने नहीं खाया ना अभी, शायद पापा ने नहीं खाया, मम्मी के साथ खाएंगे। मम्मी और ये पापा हमेशा एक साथ बैठ के खाते हैं शुरुआत से, मतलब मम्मी और पापा एकदम, मतलब अकेले नहीं खाएंगे, एक साथ ही बैठ के खाएंगे ज्यादातर। तो पापा आप क्या कहना चाहते हो मम्मी के लिए? चार सब खाना बन जाएगा, खा लेंगे दोनों। पापा ने बड़े स्टाइल में बोला, रोज पापा का यही है चक्कर, रोज ऐसे मतलब कम्बल में पड़े रहते हैं आराम से। सही है, क्योंकि ठंड का टाइम है, बाहर भी जाके क्या करेंगे इस टाइम पे, आप भी मतलब आराम से अपने घर में रहो, क्योंकि ठंड का टाइम है। ठंड जिसको लग रही है ना इस टाइम पे, लिटरली बता रहा हूँ, इस टाइम पे बहुत मुश्किल है सही होना, क्योंकि ठंड पकड़ रही है ना, कम से कम एक हफ्ता तो बंदा घर में बैठ ही जा रहा है। मेरे को भी लगी थी लगभग, मेरे को 3 दिन तबीयत खराब थी, फिर आपके भाई ने जब बाहर निकल रहा था कपड़े पहन के, गरम पानी ठंडे पानी को तो आप मानोगे ना, मैं पी नहीं रहा था 24 घंटे, मान लो 3-3 दिन, 4-4 एक हफ्ता हो गया था मेरे को गरम पानी चल रहा था मेरा। तो आप तो ठंडा पानी पी लेता हूँ मैं, गरम पानी पर जॉब पे जाता हूँ जब पीता हूँ मैं। तो अभी आपके भाई के फोन की बैटरी लो हो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, जब डांस क्लास में फोन लेके गया था बैटरी लो थी उस टाइम भी, क्योंकि एडिटिंग करके गया था ना मैं, 30% थी वहां पर जाके, वही 10-8 हो गई थी। तो ब्लॉग भी मैंने डाला था आते के साथ ही, 6:30 बजे तक आ गया था मैं डांस क्लास से, 6:30-6 बजे, फिर आधे घंटे मतलब थोड़ी सी एडिटिंग रहती है, एडिटिंग करके मैंने ब्लॉग डाला। अभी फोन चार्ज में लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यो, अभी आपका भाई जा रहा है नीसू भाई के पास, आज आया यहाँ पर नीसू भाई, तो चलते हैं फटाफट से। जैसे हर्ष भाई आते हुए और इधर अपने नीसू भाई भी है, टेस्टिंग कर लो, लड़का रखा हुआ है, लड़का रखा हुआ 100 रुपए महीना, भाई की ये गाड़ी है, कौन सी, इसको ही तो रखा हुआ है। ओ हाँ, ये लग भी रहा है देखने में, सही बोल रहा है, देखिए 100 रुपए लगाया, देखिए डेंट मार दी उस गाड़ी पे इसने, ऐसे कपड़ा मारा जी। तो अभी हम प्रदीप भाई के घर पे बैठे हैं, अभी प्रदीप भाई आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, प्रदीप भाई अभी थोड़ा बिजी है, फोन वोन चला रहे हैं, और टीवी भी ऐसी ठस्से के लिए चालू कर रखा है, इनकी हरकतें ना क्या ही बोलू मैं, ऐसी रहती है, फोन भी फालतू में चला रखा है और टीवी मैंने चला रखा है, पागल किसी और को बनेगी हो। अच्छा मैं आती तेरा पहली टीवी चलाऊंगा और मतलब ऐसी छोड़ दूंगा ना बेटे, मैं गाना चलाऊंगा, देख अब चला रहा हूँ मैं। और नीसू भाई बगल में बैठे आराम से। Few moments later, अभी लगभग 10 बज चुके हैं, तो अब नीसू का भी घर जाने का टाइम हो चुका है, मैं दे देता तेरे को। और ये एक एयरबड के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और नीसू ने उसकी लीड ले ली, लीड तो दिखा दे, का नीसू दुबका दिया, पत्ते पत्ते पे हाथ मत मार, दूर हो चल भाई, लीड ने अंदर ये बोला खाली, ये बंदा बहुत खतरनाक है, लेने है ये भी ले जाऊं, अबे मोटे यार ये ले ले, ये भी ले जा, एयर ड्रॉप भी ले जा इसके, ले ले ले, अबे दे तो रहा हूं चाबी, ये ली ले, अबे दूसरी चाबी है गाड़ी की, ये ले आरुण पैक किया, दियो ये मत दियो, वो तो दूंगा नहीं मैं तेरे को, अबे यार मोटे सच में लीड के मैंने गाइस, ये ना ऐसे लड़ते रहते हैं, प्रदीप की जो फिल्म है ना ये हमेशा ऐसे करता रहता है, अरे आवाज की बात ना हो यार, वो शुरू से इसकी आदत है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये बंदा ना काफी ज्यादा खतरनाक है, ये प्रदीप बंदा, इससे बच के रहो जितना हो सके उतना बच के रहो, ये हमारी गैंग का ऐसा बंदा है, मैंने आपको 10 बार ही बता दिया है, ये बंदा नहीं सुधरता कभी, लेना ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है, ये बंदा कभी नहीं मानता, ये देखिए कैसे लड़ गया, समझ नहीं रहा, अब तू समझ नहीं रहा भाई, क्या समझेगा, क्या बंद कर, इसे बात करनी है उनको, क्या बंद कर यार तू, यार कॉल यार नहीं दिखती यार, अबे दिखेगी, अबे आवाज नहीं आती, अबे सब आती है, अबे अभी एक गाइस की फिल्म हो रही है तो जब भी बोल रहा है बंद कर, रिंग नहीं बजेगी, किसने कहा बज गई तो अब बजाऊं, इसके फोन पे फोन मार, पहले टीवी बंद कर देता हूँ मैं, अब इनका ब्लॉग अच्छे से शूट होगा, काफी ज्यादा हल्ला हो रहा था बैकग्राउंड में, ये देखिए इसकी हरकतें देखते रहना, नहीं होगी दिक्कत, ये ऐसे ही करता रहेगा लगभग, जब तक लीड नहीं लेगा ना जब तक ऐसे ही करता रहेगा, और कसम से इसकी हरकतें देखने में मजा आ जाता है,
मैं तेरी कसम देने आऊंगा खुद। खाली एक निशु ने लीड क्या मांग ली उसके चक्कर में ऐसे कर रहे बस अब तेरे को मारना चाहता हूँ लिटरली बता रहा हूँ एक लीड क्या मांग ली उसके चक्कर में मतलब जंग लड़ लेगा ये बंदा क्या बंद नहीं करूंगा इसमें बता कैसे बंद करनी होती अच्छे से ये बता क्या कान में लगा रखे तरीके से डाल तरीके से तो डालूंगा वही तो डालूंगा ही देख ले भाई अभी भी तू देख तो निशु भाई भी जा रहे हैं मिलते हैं ठीक है ब्रो बाय ध्यान से जियो चल ठीक है भाई ध्यान से जियो अबे घर से मांग ले जाके डायरेक्ट घर पे मांग लियो चल ठीक है तेरे साथ ही चल रहा हूँ चालू कर ले ये बंदा जाने नहीं देगा लग रहा है अबे भाई जान दे तू बंद कर रहा है जब से मान ही नहीं रहे हमें जाने नहीं दे रहा ये हमेशा जब भी वीडियो में आता है ना हमेशा ऐसे ही करता है बंद कर इसे चल देखो कैसे कर रहा है निशु पूरा मतलब इसे समझा रहा है एक एक स्टेप की कैसे करना कैसे नहीं करना निशु भाई तू इसे पूरा समझा हो गए कनेक्ट पागल है ये अब जाके समझ आया कि नहीं आया तेरे को आ रहा है वो अबे तू पागल है क्या स्काइड को खोलेगा तो आएगा ही ना सारा मेंटल खोपड़ी का भाई वाकई में भाई प्रदीप से कुत्ते की उम्र प्रदीप की बातें एक ही है तो अभी मैं आया था निशु को बैग देने निशु आया था बैग लेके उसे कहीं जाना था ना शायद जब ये बैग लेके आया था अभी ये मेरे को पता नहीं किस लिए बैग लेके आया था ये मैंने पूछा नहीं तो मैंने अपने घर में रख दिया था तो अभी बैग लेके फिर उसे दे रहा हूँ मैं फिर वो भी अपने घर निकल जाएगा फिर मैं भी बैठूंगा आराम से घर में ले भाई बैग कल मिलते हैं ठीक है ध्यान से जियो तो मैं आ चुका हूँ घर में और काफी ज्यादा ऐसी पिक्चर चला रहे हैं पूरी जैसे कि हॉल में चलती है ऐसा आवाज कर रखा है एकदम खतरनाक साउंड लगा रखा पापा ने डिसुम डिसुम का ये देखिए कैसे पिटाई हो रही है पापा को बहुत ज्यादा मजा आता है ज्यादा आवाज में देखने में है पापा क्यों पापा ऐसा क्यों ज्यादा आवाज में क्यों देखते हो हैं बढ़िया लगता है ये बात तो एकदम सही बोली है कभी भी आप पिक्चर देखोगे कम साउंड में मजा नहीं है जितना एकदम फुल करके ऐसा लगता है हॉल में देख रहे हैं और हमारी एलईडी भी आप देख ही सकते हो 43 इंच के फुल बड़ी तो घर में ज्यादा सामान है तो क्या हो गया पूरे घर में थोड़े टाइम बाद एक सेटलमेंट सही से हो जाएगी घर की अभी तो बनेगा अभी पैसों की वैसी दिक्कत है काफी ज्यादा लेकिन जब पैसा हो जाएगा धीरे धीरे सब हो जाएगा बस आपका सपोर्ट रहेगा तो आपका प्यार भी बना रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही बना के रखना हमेशा अपने भाई पे प्यार दिल से बोल रहा हूँ अभी तो बैठूंगा अपने घर में आराम से फिर उसके बाद खाना ना खाऊंगा मम्मी ने भी काफी अच्छी सब्जी बनाई थी खावा के फिर थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा द नेक्स्ट डे अभी आपका भाई सो के उठा था थोड़ी देर पहले जस्ट तो उठते के साथ ही एडिटिंग करने लग गया था रात में सो गया था टीवी देखते देखते पता ही नहीं लगा कब मैं सो गया तो अभी ब्लॉग का करते हैं एंड बाय बाय डायल फैम सी यू